स्ट्रॉबेरी संसार का एक पसंदीदा फल है। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस देश में इसकी बुआई की शुरुआत हुई, परंतु मूल रूप से ये उत्तर अमेरिका की फसल मानी जाती है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, अभी का उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश की कुछ पहाड़ियों में इसकी बुआई की शुरुआत हुई, परंतु तकनीकी ज्ञान और उन्नत प्रजातियों के अभाव में कोई सफलता नहीं मिलने पाई, जिसकी वजह से इसके उत्पादन में या इसके फसल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आज अधिक उपज देने वाली जो प्रजातियां विभिन्न किस्में हैं, उसकी जानकारी तकनीकी ज्ञान, परिवहन, शीत भंडार सुविधा, प्रसंस्करण एवं परिरक्षण की जानकारी के कारण इसकी खेती एक लाभप्रद व्यवसाय बनती जा रही है। बहुत देसीय कंपनियों के आ जाने से भी स्ट्रॉबेरी के विशेष संसाधित पदार्थ जैसे जैम, जेली, पे, कैंडी, आइसक्रीम, इसके उत्पादन में प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसकी वजह से इसके खेती के प्रति लोगों का उत्साह, किसानों का उत्साह बढ़ा है इन दिनों। इस फल में मौजूद फ्लेवोनाइड हृदय विकार में कमी करता है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके सेवन करने से शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मोतियाबिंद कैटरैक्ट एवं कैंसर से रोकथाम में सहायक होती है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती शीतोष्ण प्रदेशों में की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जाड़े के समय इसकी खेती ली जा सकती है। पौधे अक्टूबर नवंबर में लगाए जाते हैं और फल फरवरी मार्च में तैयार हो जाते हैं। इसकी खेती हल्की रेतीली या दोमट चिकनी मिट्टी में ली जा सकती है, परंतु दोमट चिकनी मिट्टी में इसकी खेती ज़्यादा सफल होती है। रेतीली मिट्टी में उचित सिंचाई की सुविधा होने से खेती ली जा सकती है। अधिक लवणयुक्त तथा अपर्याप्त बल निकासी वाली, जल निकासी वाली भूमि में इसकी खेती उपयुक्त नहीं मानी जाती है। लागत पूर्व जमीन मिथाइल ब्रोमाइड से निर्जंतुक कर लेना चाहिए और पौधे किसी भी प्रमाणित या विश्वसनीय नर्सरी से लेने चाहिए, ताकि इसकी जाति के बारे में जानकारी हो और पौधे भी रोग रहित हों। मिट्टी से होने वाले रोगों से बचने के लिए पौधे की जड़ों को 1% बोर्डो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% या डायथिन M45 0.2% से 10 मिनट तक उपचारित करने के बाद ही लगाने चाहिए। क्यारियों में पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर लगाने से बेहतर होता है और पौधे लगाने के बाद हल्की सिंचाई देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में मुक्त टियोगा, टोरी, एनआर राउंडहेड, रेड कोट, कंट्राइज स्वीट आदि है, जो सामान्यतः छोटे आकार के फल देते हैं। तुलनात्मक इसमें इनमें टोरी तथा एनआर राउंडहेड थोड़े बड़े आकार देते हैं, जिसमें फलों का वजन है वो 4 से 5 ग्राम होता है। आजकल बड़े आकार की प्रजातियां विदेशों से आयात की जाती हैं, जिनमें चैंडलर, कन्फ्यूचरा, पजारो, फर्न, सेल्वा, ब्राइटन, बेल रूबी एवं स्वीट चार्ली आदि प्रमुख हैं। खाद तथा उर्वरक की मात्रा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति एवं पैदावार पर निर्भर है। अतः मिट्टी का परीक्षण करा करके, जांच करा करके जो भी सिफारिश की जाने वाली मात्रा है उतना दें, वो लाभप्रद होता है। इस पर हमें ध्यान देना होगा। मिट्टी, सॉइल हेल्थ, मिट्टी की का स्वास्थ्य है वो बहुत बहुत अनमोल है, उस पर ध्यान देना होगा। अदरवाइज जमीन की गुणवत्ता और उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। स्ट्रॉबेरी के लिए खाद प्रबंधन इसमें चार्ट में दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है, जिसको आप देखें। सूक्ष्म सिंचन, माइक्रो इरिगेशन द्वारा 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जैसे RCF का सुजला एवं उज्ज्वला यूरिया किस तरह से कितने मात्रा में देते हैं, वो भी इस टेबल में दिया गया है।
इसको आप रेफर करें, इसको आप देखें और उस हिसाब से। स्ट्रॉबेरी की उपज इसकी जाति और जलवायु पर निर्भर करता है। सामान्यतः इसकी उपज 10 से 12 टन प्रति एकड़ की आती है। विदेशों में इसकी मात्रा थोड़ी, इसकी उत्पादकता थोड़ी अधिक है। स्ट्रॉबेरी के फलों के जड़ों के नज़दीक नमी की कमी पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं, इसमें पौधे मर भी सकते हैं। सिंचाई की थोड़ी सी कमी भी फलों की गुणवत्ता और आकार को प्रभावित कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की फसल को बार बार परंतु हल्की सिंचाई देनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी की क्यारियों में मल्चिंग के विशेष लाभ हैं। विभिन्न अनुसंधानों से ये प्रमाणित होता है कि इस विधि से खेती करने से खरपतवार में कमी होती है, मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, फलों का सड़ना कम होता है और पाले के कुप्रभाव को भी कम किया जा सकता है। फल आने के पश्चात उसे खरपतवार से ढक देने से पक्षियों द्वारा नुकसान के में कमी आती है, कमी की जा सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फूल आने के 4 दिनों के बाद जिब्रालिक एसिड से, जैसे संप्रेरक से, इसका छिड़काव किया जाना फायदेमंद होता है। स्ट्रॉबेरी के पौधे पहले वर्ष से ही फल देने लगते हैं और शीतोष्ण प्रदेशों में 3 साल तक ये पौधे फल देते हैं, परंतु 2 वर्षों के पौधे ज़्यादा फल देते हैं। स्ट्रॉबेरी के खेती को बहुत सारे कीट और रोग प्रभावित करते हैं। इनमें मुख्यतः तेला, माइट, कैटवर्म और सूत्रकृमि प्रमुख हैं। डिमेथिएट, डिमेटोन और फोरेट का प्रयोग इन्हें नियंत्रण में रखता है। फलों पर भूरे फफूद वाले रोग या पत्तों पर धब्बे वाले रोगों को नियंत्रण करने के लिए दैथियो कार्बामेट पर आधारित फफूदी नाशक रसायन जैसे रसायन का उपयोग करना चाहिए। फल लग जाने के बाद किसी भी फफूद नाशक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी असाधारण परिस्थितियों में अगर प्रयोग करने की ज़रूरत पड़े तो बहुत बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। 3 वर्ष तक स्ट्रॉबेरी की खेती ली जा सकती है। उसके पश्चात 1 साल तक या तो ज़मीन को खाली छोड़ दें या फसल चक्र का प्रयोग करते हुए इसमें गेहूँ, सरसों, मक्का या दलहन की खेती लेने से कृमि रोग या अन्य प्रकोप से बचा जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अल्बिनिज्म प्रकोप, फलों की रंगहीनता, इस फसल में पर्यावरणीय बदलाव एवं अन्य द्रव की कमी से दिखाई पड़ते हैं, अतः इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी फल पकने के समय हरे से लाल रंग में परिवर्तित होने लगता है। जब फलों का रंग आधे से ज़्यादा लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, ये फलों के तुड़ाई का उचित समय होता है। फलों की तुड़ाई के समय उचित ध्यान दें, जिससे बड़े आकार के फल अलग किए जा सकें। रोग और खराब फल हैं उसकी छटनी कर लेनी चाहिए ताकि बाज़ार में इसकी सही कीमत मिलने पाए। फल तोड़ने के तुरंत बाद इसका शीत भंडारण करने से फलों के भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। किसान इस फसल को भी ले सकते हैं क्योंकि इस फसल में किसानों की आमदनी दुगने करने की ताकत है, जो प्रधानमंत्री की योजना भी है। RCF को सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए, देखने के लिए आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर कृपया जाएं, जिसका लिंक नीचे दिया जा रहा है। धन्यवाद।